नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके मूकं करोति वाचालं मंगलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानंदमाधवं। आज भगवान श्री नृसिंहदेव के आविर्भाव उत्सव के अवसर पर आज हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय और श्लोक नंबर 17 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम भगवान नृसिंहदेव द्वारा असुरराज का वध। सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतं रूपं उद्भवः स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं सत्यं सच विधातुं सिद्ध करने हेतु निज भृत्य भाषितं अपने दास के ही शब्दों को भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द कि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्यता दिखाई पड़ा अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के अंदर न नहीं मृगम पशु न न तो मानसम मनुष्य। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। अपने दास भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने हेतु कि वे सत्य हैं अर्थात यह सिद्ध करने हेतु कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं
यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के अंदर भी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार श्री भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद महाराज से पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या वो इस खंभे में उपस्थित है, तो भक्त प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया कि हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने हेतु कि भक्त प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, श्री भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधे सिंह तथा आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि ये विराट देव सिंह है या मनुष्य। भक्त प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके श्री भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यद्यपि भक्त प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे रहा था, धमकियां दे चुका था, किंतु भक्त प्रहलाद का विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। खंभे से प्रकट होकर श्री भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो कि मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। श्री नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर श्री भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। श्री भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो किसी प्रकार से मनुष्य का और न ही सिंह का कहा जा सकता था। ओम अज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सप्रदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवान श्री नृसिंह देव के शुभ आविर्भाव उत्सव के अवसर पर हम भगवान श्री नृसिंह देव किस प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए आविर्भूत हुए उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में घोषणा करते हैं कि अर्जुन प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, कि अर्जुन तुम दृढ़ता पूर्वक इस संसार में घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, अर्थात भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और जो समर्पित भक्त हैं भगवान के चरणों में, जो पूर्ण रूप से समर्पित भक्त हैं, उसको ये दृढ़ विश्वास रहता है कि अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, कि भगवान कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। भक्त को ये दृढ़ विश्वास होता है। जिस भक्त में ये दृढ़ विश्वास नहीं है वो समर्पित भक्त नहीं हो सकता। इसलिए शरणागति का जो लक्षण बताया गया है कि आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम रक्षयिष्यति विश्वास गुप्तृते वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति, कि जो भक्त भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित हैं उसके ये छह लक्षण दृष्टिगत होते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुकूल हैं, चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे वो उसको ग्रहण करता है, और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जो प्रतिकूल हैं विपरीत हैं, चाहे वो उस भक्त का कितना भी प्रिय क्यों ना हो वो भक्त उसको त्याग देता है। ये समर्पित भक्त का लक्षण है। और समर्पित भक्त सदा सर्वदा ये दृढ़ विश्वास रखता है कि कृष्ण अवश्य उसकी रक्षा करेंगे, और केवल रक्षा नहीं, कृष्ण अवश्य उसका भरण पोषण पालन पोषण भी करेंगे। रक्षा स्थिति विश्वास गुप्तृते वरणं स्थित, और इस प्रकार भक्त विनम्रता के साथ अपने को भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पित कर देता है, और ऐसे भक्तों की सुरक्षा भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये प्रतिज्ञा भगवान की है, और प्रहलाद महाराज ये पूर्ण समर्पित भक्त थे, बाल्यावस्था से पूर्ण समर्पित भक्त, जिसके कारण प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था। यद्यपि बार बार उनके सामने प्राण संकट उपस्थित हुआ था, और वो प्राण संकट और किसी के द्वारा नहीं अपने पिता के द्वारा, फिर भी प्रहलाद महाराज कभी विचलित नहीं हुए। साधारण रूप से देखा जाता है कि जब व्यक्ति के सामने प्राण संकट उपस्थित हो जाता है, मृत्यु उपस्थित हो जाती है, तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है,
मृत्यु से हर कोई भयभीत रहता है, किंतु जो भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित भक्त हैं वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वो जानता है कि भगवान उसकी रक्षा अवश्य करेंगे, और जब कभी भी भक्त की मृत्यु होती है ऐसे समर्पित भक्त की, तो उस समय मृत्यु के समय यमदूत उसके पास नहीं आते हैं, वो विष्णुदूत आते हैं उसको वैकुंठ ले जाने के लिए। इसलिए भक्त की मृत्यु और साधारण व्यक्ति की मृत्यु में अंतर है। साधारण मृत्यु में यमदूत आते हैं साधारण व्यक्ति को ले जाने के लिए, किंतु भक्त के पास यमदूत नहीं आते हैं, वो विष्णुदूत आते हैं भगवान के धाम में ले जाने के लिए भक्त। तो प्रहलाद महाराज जबकि पूर्ण समर्पित भक्त थे भगवान के, इसलिए वो कभी भयभीत नहीं थे। और हम लोग जानते हैं कि हिरण्यकशिपु किस प्रकार प्रबल प्रतापशाली बलशाली असुर था, जिसके भय से देवता लोग भी भयभीत होते थे। और ये असुरों का स्वभाव होता है कि वो भगवान विष्णु को नहीं मानते। विष्णु भक्त भवेत दैव असुरस्तद विपर्यय, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो भक्त नहीं होते हैं वो असुर पदवाची। यद्यपि हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, भगवत गीता में भगवान ने जो उपदेश दिए हैं आत्मा और शरीर के संबंध में, हिरण्यकश्यप ये सारे उपदेश समझा रहा था। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उनकी पत्नियों को और बाल बच्चों को यही उपदेश दे रहा था, गीता का उपदेश। इसका अर्थ है कि वो बहुत बड़ा विद्वान था, वेद शास्त्रों को जानता था। जिस प्रकार रावण वो भी बहुत बड़ा विद्वान, और ये असुर लोग, इसलिए उनको असुर कहा जाता है क्योंकि वो भगवान विष्णु का विरुद्धाचरण करते हैं। ये शिव जी के भक्त हो सकते हैं, ब्रह्मा जी के भक्त हो सकते हैं, किंतु भगवान विष्णु का भक्त नहीं होते, उनका विरुद्धाचरण करते हैं, इसलिए वो असुर पदवाची असुर कहे जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का विरुद्धाचरण कर रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि भगवान विष्णु ने बराह रूप में उसके भ्राता हिरण्यक्ष का वध किया था, इसलिए भगवान विष्णु को वो अपना शत्रु मानता था। तो जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो 5 वर्ष के बालक थे प्रहलाद महाराज, और बाल्यावस्था से कृष्ण प्रेम उनमें प्रकट हो गया था, तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा के लिए हिरण्यकशिपु ने संडा अमर के गुरुकुल में भेजा था। ये संडा और अमर के शुक्राचार्य के पुत्र थे, जो शुक्राचार्य हिरण्यकशिपु के गुरु, ये असुरों के गुरु होते हैं शुक्राचार्य। और हिरण्यकशिपु यही आशा करता था कि गुरुकुल से अपना पुत्र ये भौतिक विद्या की शिक्षा करेगा, जड़ विद्या की शिक्षा लाभ करे। और जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जड़ विद्या सब माया र वैभव जीव के कराए गधा, तो ये जो जड़ विद्या है स्कूल कॉलेज में ये विद्या शिक्षा दी जाती है, ये सब भौतिक विद्या है और ये माया का वैभव है। ये व्यक्ति को माया के अधीन
रखने के लिए विद्या बाध्य करती है। इस माया का वैभव इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति इस जड़ विद्या को प्राप्त होकर अधिक से अधिक इस भौतिक संसार के प्रति, इस भौतिक शरीर के प्रति और अपने परिवार आत्मीय स्वजन के प्रति वो आकृष्ट होता जाता है और इस प्रकार बार बार इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, जन्म लेता रहता है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि ये जीव को गधा बना देता है। गधा इसलिए कि उन्हें जीवों को गधा कहा जाता है जिनमें बुद्धि नहीं होती है। गधा कहीं भी जाकर घास खा सकता है किंतु उसे वही घास खाने के लिए वो धोबी के पास रहता है और सारा दिन बोझा ढोता है, कपड़े का बोझा, और अंत में वो धोबी उसको थोड़ा घास देता है। वो घास कहीं भी प्राप्त कर सकता है, इसलिए गधा को कहा जाता है कि उसकी बुद्धि नहीं है। उसकी बुद्धि होती तो वो घास के लिए जाके इतना परिश्रम नहीं करता। तो ये जड़ विद्या प्राप्त होकर हम देखते हैं कि लोग सुबह से रात तक, रात 9-10 बजे तक काम करते रहते हैं, उनको समय नहीं है। क्या है ना, ऑफिस में थे या बिजनेस कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ये सब भौतिक उन्नति के लिए। किंतु ये वास्तविक विद्या जो है वो विद्या क्या है कि सा विद्या या विमुक्त है, वही वास्तविक विद्या है जो मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करता है। तो हिरण्यकशिपु वो चाह रहा था कि उनका पुत्र प्रहलाद ये जड़ विद्या ग्रहण करेगा गुरुकुल में और उसके समान एक असुर बनेगा, क्योंकि हर पिता ऐसे ही चाहते हैं कि उनका पुत्र उनके समान हो। किंतु प्रहलाद महाराज क्योंकि बाल्यकाल से भगवान के परम भक्त थे, इसलिए इस जड़ विद्या को ग्रहण करने के लिए उनकी कोई इच्छा नहीं थी। यद्यपि उनको संड अमर के गुरुकुल में भेजा गया, वो सुनते थे, उनके शिक्षक लोग जो बोलते थे, किंतु ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वास्तविक विद्या क्या है जो संसार बंधन से व्यक्ति को मुक्ति दिला सकती है, वो वास्तविक विद्या है। तो इसलिए जब कुछ काल विद्या अध्ययन के पश्चात आए संड अमर का लेकर हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु वात्सल्य भाववश उनको गोद में उठा लिया और उनका लाड प्यार करने लगा और उनसे प्रश्न पूछा कि बेटे तुमने गुरुकुल में क्या सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की है, ये मुझे बता। हिरण्यकशिपु कभी आशा नहीं करता था कि प्रहलाद महाराज कोई गांभीर्यपूर्ण उत्तर देंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, 5 साल का बालक है, तो वो ऐसे कुछ बताएगा। किंतु प्रहलाद महाराज तो महान भक्त थे बाल्यकाल से, इसलिए उन्होंने जो उत्तर दिया तो हिरण्यकशिपु ये उत्तर की आशा नहीं करता था। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्र विघ्न दिया असद ग्रहात। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि असुर श्रेष्ठ, मैं उसको साधु मानता हूं
जो इस भौतिक संसार में असत को ग्रहण करने के कारण, अर्थात इस भौतिक शरीर जो असत है, अनित्य है, इसको सत्य मानकर, इसको ग्रहण करके इस भौतिक शरीर को व्यक्ति सुख देना चाहता है। इसलिए व्यक्ति सारा जीवन समुद्विग्न दिया, वो सदा सर्वदा चिंतित रहता है, उत्कंठा में रहता है और अपने आत्मा जो है, जो नित्य है, जो सत्य पर सत्य है, परम सत्य का अंश है, उसको भूल जाता है, अपनी आत्मा को भूल जाता है, शरीर को महत्व प्रदान करता है। इसलिए गृह अंधकूपम, और व्यक्ति इस प्रकार शरीर को सुख देने के लिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए गृह रूपक अंधकूप में गिरा रहता है, जबकि वहाँ तरह तरह का कष्ट भोग करता है गृह अंधकूप में। जिस प्रकार व्यक्ति अंधकूप में गिरने से कष्ट भोग करता है, अंधकूप क्या है, जिस कुएं में पानी नहीं होता है और अंधेरा रहता है और उसमें तरह तरह के कीट पतंग और सांप आदि बिच्छू आदि से भरे रहते हैं, उसमें कोई व्यक्ति गिरेगा और ये सारे के सारे आक्रमण कर देंगे उसके ऊपर, वो चित्कार करेगा, उस चित्कार को सुनने के लिए कोई नहीं होगा। तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार में व्यक्ति गृहस्थ जीवन में उत्कंठा में है, कष्ट भोग कर रहा है और चित्कार भी कर रहा है, किंतु उसके चित्कार को कोई नहीं सुनता, वो कुछ बोल नहीं सकता किसी को, अपने आप वो कष्ट भोग करता रहता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक साधु हैं, बुद्धिमान हैं, महात्मा हैं, वो इस प्रकार गृह अंधकूप को त्याग करके वनं गतो यद् हरिंगाश्रयेत, ये वन में जाकर, प्रभुपाद जी वन यहाँ वृंदावन बोलते हैं, कि वृंदावन में जाकर भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करे, उसी को मैं साधु मानता हूँ। और हिरण्यकश्यप ये उत्तर आशा नहीं करता था प्रहलाद महाराज, तो उसने सोचा कि ये जो गुरुकुल में प्रहलाद महाराज पढ़ रहे हैं, वहाँ कोई भगवान विष्णु का अनुचर, कोई सेवक आकर ये शिक्षा दे रहा है। पहले तो उसने सोचा कि संडा अमरक ने इसको बताया होगा, तो उनको पहले डांटा प्रहलाद महाराज के गुरुओं को, तो संडा अमरक ने कहा नहीं नहीं हमने तो ये शिक्षा नहीं दी क्लास में, हम तो दूसरी शिक्षा दे रहे थे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तब फिर कौन इसको ये शिक्षा दे रहा है तुम्हारे गुरुकुल में, तो कोई विष्णु का अनुचर होगा जो आकर इसको ये शिक्षा दे रहा है, नहीं तो 5 वर्ष का बालक ये कहाँ से इस शिक्षा को प्राप्त होगा। और हिरण्यकश्यप को पता नहीं था कि प्रहलाद महाराज जब माता के गर्भ में थे तो नारद मुनि ने ये शिक्षा दी थी उनकी माता को, और माता के गर्भ में रहते हुए प्रहलाद महाराज ने शिक्षा ग्रहण की थी, तो उसको पता नहीं था, क्योंकि हिरण्यकश्यप उस समय तपस्या कर रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि तुम लोग अब सतर्क रहना कि कैसे विष्णु का दूत कोई आकर यहाँ इस प्रकार की शिक्षा न दे प्रहलाद को। तो फिर प्रहलाद महाराज को ये शिक्षा देने लगे, और दूसरी बार जब वो लेकर आए हिरण्यकश्यप के पास, और हिरण्यकश्यप ने वही प्रश्न पूछा कि तुमने क्या श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की है गुरुकुल से, तो प्रहलाद महाराज उसी प्रकार का उत्तर दे रहे हैं, मतिर्न कृष्ण परत स्वतोवा
मिथो विपद्येत गृहव्रतान। जिन लोगों ने घर में रहने के लिए व्रत ले लिया है, घर नहीं छोड़ेंगे चाहे कितनी भी उत्कंठा हो, कितना भी कष्ट हो, वो गृह त्याग नहीं करेंगे, व्रत ले लिया है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मतिर न कृष्ण परतः स्वतो वा। तो ऐसे गृह व्रतियों के लिए उनकी मति कृष्ण में नहीं लगती, ना तो अपनी चेष्टा से या किसी के बताने पर वो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट नहीं होते। अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनः सर्वित सर्वणान। क्योंकि इन लोगों ने अपनी इंद्रियों को वशीभूत नहीं किया है, जो गृहव्रती हैं, घर में रहने के लिए व्रत धारण किया है, अपनी इंद्रियों को वशीभूत नहीं किया है, इसलिए विशतांत मिश्रम पुनः पुनः सर्वित सर्वणान। ये अंध तमिश्र नरक में ये बार बार गिरते हैं, और पुनः पुनः जो चबाई हुई चीज को बार बार चबा कर उससे आनंद प्राप्त करना चाहता है, जो कि चबाई हुई वस्तु से फिर कोई रस नहीं ले सकता, किंतु ये लोग वही कर रहे हैं। तो ये प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं, तो ये हिरण्यकशिपु के लिए भी ये उत्तर लागू था, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो यही कर रहा था कि अपने को शरीर मान रहा था और इंद्रिय तृप्ति के लिए वो प्रयास कर रहा था। हिरण्य और कशिपु, इसका अर्थ यही होता है, हिरण्य अर्थात सोना, कशिपु अर्थात सजा। तो जो इंद्रिय भोग करने के लिए लालायित हैं, उनको धन चाहिए और अच्छा बेड, अच्छी सजा चाहिए भोग के लिए। तो हिरण्यकशिपु इसका अनुयायी था, और उनको ये अच्छा नहीं लगा कि प्रहलाद महाराज इस प्रकार उसको आक्षेप कर रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु कि ये हमारा पुत्र होकर ये हमारे शत्रु का कार्य कर रहा है, उसकी बात बोल रहा है। तो हिरण्यकशिपु ने उनको मारने के लिए प्रयास किया, आदेश दे दिया कि इसका वध किया जाए, ये हमारे पुत्र होने योग्य नहीं है, क्योंकि ये शत्रु का पक्ष लिया। और उनके अनुचरों ने कई तरह से प्रयास भी किया, जैसे पहाड़ के ऊपर लेकर समुद्र के गर्भ में फेंक देना, विषधर सर्पों के बीच में फेंक देना, आग के बीच में फेंकना, मत वाले हाथी के चरणों के नीचे फेंक देना, ये तरह तरह से प्रयास किया, अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करना। तो इतने सारे प्रयास होने पर भी प्रहलाद महाराज को ये वध नहीं कर सके, और प्रहलाद महाराज कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे कि मेरी रक्षा कीजिए। प्रहलाद महाराज केवल भगवान का स्मरण ही कर रहे थे, और भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि उनके भक्त का विनाश नहीं होगा। तो भगवान हर स्थिति में प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे थे। पहाड़ के ऊपर से उनको फेंका जा रहा था समुद्र के गर्भ में, तो भगवान अपनी गोद में प्रहलाद महाराज को ले लिए। अग्नि में फेंका गया, अग्नि निर्वापित हो गई। तो ये जो भी उनको मारने के लिए प्रयास किया गया, तो हर स्थिति में भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया कि ये छोटा सा बालक प्रहलाद, और उसको मारने का प्रयास करने पर भी इसकी मृत्यु नहीं हो रही। तो हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि अब क्या किया जाए,
इसको मारने के लिए तरह तरह से प्रयास किया गया, फिर भी इसकी मृत्यु नहीं हुई, तो अब मैं क्या करूं? हिरण्यकशिप स्वयं चिंतित हो गए, जिसके डर से देवता लोग भयभीत होते थे, कांपने लगते थे, वही हिरण्यकशिप अपने सिंहासन पर चिंतित होकर बैठा है, माथा नीचे करके कि अब प्रहलाद के साथ मैं क्या करूं। तो संडा अमरक ने कहा कि राजन, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये त्रिलोक के ईश्वर हैं, आपके भय से देवता लोग भी कांपने लगते हैं, तो इसलिए आपको इस प्रकार माथा नीचा करके चिंतित होकर बैठे रहना ये शोभा नहीं देता। आप एक काम कीजिए, हमें एक बार प्रहलाद को और हमारे पास भेजिए, और हमारे पिताजी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि उनकी चेष्टा से इसकी मति बदल जाएगी और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो हिरण्यकशिप ने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने छोड़ा प्रहलाद महाराज को संडा अमर के गुरुकुल में। तो इसके बाद प्रहलाद महाराज ने क्या किया ना, गुरुकुल में जब संडा अमर के अपने घर पर जाते थे खाने के लिए, तो बच्चों की छुट्टी होती थी, तो प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को एक कृष्ण भक्ति की शिक्षा उन्होंने प्रदान की। तो इनके सहपाठी लोग प्रहलाद महाराज से शिक्षा प्राप्त होकर ये सब कृष्ण भक्त बन गए, और प्रहलाद महाराज के साथ गुरुकुल में कीर्तन करने लगे। तो जब संडा अमर को पता चला कि हमारे गुरुकुल में हमारी अनुपस्थिति में यहाँ भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, प्रहलाद के कहने पर ये सब बच्चे नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो वो भयभीत हो गए। अब तो हमारा प्राण संकट उपस्थित हो गया, अब हिरण्यकशिप हमें नहीं छोड़ेगा, हमें मृत्यु दंड दे देगा। तो ये भयभीत होकर अपनी ओर से प्रहलाद को साथ लेकर हिरण्यकशिप के पास पहुंच गए, और अपनी ओर से बता दिया कि हमारे द्वारा ये शासित नहीं हो रहा है, और ये उल्टा अपने सहपाठियों को कृष्ण भक्त बना दिया है। तो हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गया ये बात सुनकर कि ये तो अकेला विष्णु का भक्त था, अब दूसरे बालकों को भी भक्त बना दिया है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से कि प्रहलाद, जिसके भय से त्रिलोक कांपने लगता है, जिसके हर पदक्षेप में पृथ्वी कांपती है, देवता लोग कांपने लगते हैं, तुम एक साधारण 5 साल का बालक हो, तुम मुझसे भयभीत नहीं हो रहे हो, तो तुम ये शक्ति ये बल किससे प्राप्त होते हैं जिससे कि तुम मुझसे भी भयभीत नहीं हो रहे? तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, ना केवलं मे भवतस्य राजन सबै बलिं बलिनं चापरेश। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे राजन, केवल मेरा बल नहीं है या आपका बल नहीं है, सभी के बल का जो मूल स्रोत है वो स्वयं भगवान है। भगवान से ही, क्योंकि वो परम बलशाली है, उन्हीं से ही सभी बल को प्राप्त होते हैं। आप भी उन्हीं से प्राप्त हुए हैं बल को, और मैं भी उनसे बल को प्राप्त हुआ। वो आप और मेरे बल के स्रोत वही भगवान है।
तो हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया इस बात को सुनकर। तो उसने प्रश्न पूछा प्रहलाद महाराज को कि प्रहलाद तुम बार बार वही भगवान की बात बोलते रहते हो जबकि मैं स्वयं भगवान हूँ, क्योंकि असुर लोग अपने को भगवान मानते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ और तुम और किसी भगवान की बात कहते हो तो तुम्हारा भगवान कहाँ पर है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरा भगवान वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर प्रहलाद महाराज से पूछा कि यदि तुम्हारा भगवान सर्वव्यापी है तो क्या इस सभागृह के स्तंभ में भी तुम्हारा भगवान है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जब हमारे भगवान सर्वव्यापी हैं ये सभागृह के स्तंभ में भी वो उपस्थित है। तो हिरण्यकशिपु इस बात पर विश्वास नहीं करता था, वो सोच रहा था क्योंकि जो नास्तिक होते हैं वो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने जब कहा कि सभागृह के स्तंभ में भी भगवान है तो उसको तो विश्वास नहीं हुआ, किंतु वो सारे जगत के सामने ये प्रमाणित करना चाहता था कि इस सभागृह के स्तंभ में भगवान नहीं है। और इस प्रकार प्रहलाद महाराज के वाक्य को भी वो असत्य प्रमाणित करना चाह रहा था हिरण्यकशिपु। तो क्रोधित होकर प्रहलाद महाराज के ऊपर उसने कहा कि ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से ही होगी। और वो क्रोधित होकर दीर्घ श्वास ले रहा था और प्रहलाद महाराज की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देख रहा था और उसने अपनी तलवार निकाल ली प्रहलाद महाराज की हत्या करने के लिए और आसन से खड़ा हो गया। हिरण्यकश्यप खड़ा होकर नीचे उतर के वो सभागृह के स्तंभ में मुष्टिकाघात किया, ये प्रमाणित करने के लिए कि प्रहलाद जो कह रहा है कि उसका भगवान सर्वव्यापी हैं और इस सभागृह के स्तंभ में भी हैं, अब सारा जगत देखेगा कि इस सभागृह के स्तंभ में कोई भगवान नहीं है, ये प्रमाणित करना चाह रहा था हिरण्यकश्यप। किंतु जब प्रहलाद महाराज ने कह दिया है कि सभागृह के स्तंभ में भी भगवान है तो श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उस समय प्रहलाद महाराज को दर्शन दे रहे थे भगवान उस सभागृह के स्तंभ से, नृसिंह रूप में वो दर्शन दे रहे थे और प्रहलाद महाराज को कह रहे थे कि प्रहलाद डरो मत मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए प्रहलाद महाराज स्थिर निश्चित हो गए थे कि भगवान यहाँ उपस्थित है, उनको कोई भय नहीं था। किंतु हिरण्यकशिपु नहीं जानता था कि भगवान स्तंभ में भी उपस्थित है, इसलिए उन्होंने जब मुष्टिकाघात किया तो बहुत जोर से शब्द होने लगा, इतना भयंकर शब्द था कि जैसे त्रिलोक प्रकंपित हो रहा है, यहाँ तक कि स्वर्गलोक में देवता लोग भी भयभीत हो गए, वो लोग बादल के पीछे छिप करके देख रहे थे क्योंकि हिरण्यकशिपु से देवताओं को इतना भय था कि कहीं हिरण्यकशिपु उनको देख लें कि ये लोग देख रहे थे जब हमारा प्रहलाद के साथ ये बातचीत हो रहा था और भगवान आविर्भूत हुए,
तो वो बादल के पीछे छिप करके वो देख रहे थे कि हिरण्यकशिपु उनको देख ना ले। तो उस समय सब ब्रह्मा आदि सारे देवता लोग बाहर निकल आए। जो शब्द हुआ, हिरण्यकशिपु चारों ओर देख रहा था कि शब्द कहाँ से आ रहा है, उसको पता नहीं चला। तो अंत में यहाँ श्री सुखदेव नारद मुनि कह रहे हैं, ये युधिष्ठिर महाराज से ये प्रसंग का वर्णन कर रहे थे नारद मुनि, तो कह रहे हैं सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम, कि जब हिरण्यकशिपु इस प्रकार चारों ओर देख रहा था कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है, ये भयंकर शब्द, और वो भयभीत हो गया था हिरण्यकशिपु, जबकि सारा संसार उसको देखकर भयभीत था, अब हिरण्यकशिपु स्वयं भयभीत है ये भयंकर शब्द सुनकर। तो उस समय सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम्, तो भगवान ने अपने भृत्य, अपने सेवक प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने क्या किया, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, जो भगवान सर्वभूत अर्थात सर्व प्राणियों में विद्यमान है परमात्मा रूप में, और प्राणियों के साथ साथ सारे तत्व में भी विद्यमान है। जो भौतिक तत्व हैं, जैसे पांच तत्व बताए गए हैं महत तत्व, भूमि, आप, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब जो तत्व हैं, भगवान सर्वत्र विद्यमान है। क्षिति आप तेज मरुद व्योम, तो इन तत्व में भी भगवान विद्यमान है। तो उन भगवान ने क्या क्या, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपं उद्वहन। तो हिरण्यकशिपु ने देखा कि जिस स्तंभ पर उसने मुष्टिकाघात किया था और ये शब्द वहीं से आ रहा था, तो उस स्तंभ से भगवान प्रकट हुए, भगवान नृसिंहदेव, और कैसे प्रकट हुए, अद्भुत रूप धारण करके। ऐसा अद्भुत रूप पहले किसी ने नहीं देखा था, अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायां न मृगं न मानुष। तो इस स्तंभ पर प्रकट हुए, सभागृह के स्तंभ पर भगवान प्रकट हुए ये अद्भुत रूप में, कि न मृग अर्थात न पशु का शरीर और न मनुष्य का शरीर, ना तो वो पशु कहे जा सकते थे न मनुष्य कहे जा सकते थे, इस प्रकार का रूप अर्थात आधा सिंह का रूप आधा मनुष्य का रूप, इसलिए उनको नर सिंह कहा गया। जय सुन सिंह दे भगवान की, नमस्ते नर सिंहाय। नमस्ते नर सिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने,
हिरण्यकशिपुर्वक्य हिरण्यकशिपुर्वक्य शीलटङ्कनखलये शीलटङ्कनखलये इतो नृसिंह परतो नृसिंह इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो जामि ततो नृसिंह यतो यतो जामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहादिं शरणं प्रपदे नरसिंहादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नख अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुमृंग केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नृसिंहदे जय नृसिंहदे जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज तो इस प्रकार भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण करते हुए तो सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम कि प्रह्लाद महाराज ने जो कहा था कि भगवान सर्वव्यापी हैं और सभाग्रह के स्तंभ में भी हैं इसको सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान सभाग्रह के स्तंभ से प्रकट हुए और इसके साथ साथ भगवान के दूसरे भक्त ब्रह्मा जी
उन्होंने भी वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को कि हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए और उनसे वरदान मांगा था अमर वर, किंतु ब्रह्मा जी ने अमर वर मना कर दिया था, क्योंकि जब ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है तो वो हिरण्यकशिपु को कैसे अमर वर दे सकते हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि लगाकर ऐसा वरदान मांगा जो अमरवर के समान ही होगा, अर्थात उन्होंने मांगा कि उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट किसी जीव के द्वारा नहीं होगा। तो संसार में जितने भी जीव हैं सब ब्रह्मा जी के सृष्ट जीव हैं, और उसने वरदान मांगा कि किसी जीव के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न रात में न दिन में होगी, उसकी मृत्यु न भूमि पर न आकाश में होगी, उसकी मृत्यु न घर में और घर के बाहर होगी, उसकी मृत्यु न किसी अस्त्र शस्त्र से या किसी वस्तु से होगी, जीवित या निर्जीव वस्तु से होगी, ऐसा वरदान मांगा। तो मृत्यु के जितने भी संभावित द्वार हो सकते हैं, हिरण्यकशिपु ने चाहा उन सारे द्वारों को बंद कर देने के लिए जिससे कि वो अमर हो जाए, और अपने को वो बहुत बुद्धिमान मान रहा था हिरण्यकशिपु, किंतु भगवान उससे भी बुद्धिमान होते हैं क्योंकि भगवान के साथ उनके ऐश्वर्य में कोई समकक्ष नहीं हो सकता, न उनसे बढ़कर हो सकता। इसलिए भगवान बल में और बुद्धि में वो सभी से श्रेष्ठ माने गए। तो भगवान हिरण्यकशिपु से भी और बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ब्रह्मा जी के वरदान को भी सत्य प्रमाणित करेंगे। प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य प्रमाणित किया, स्तंभ से प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के वरदान को भी सत्य प्रमाणित किया। कैसे प्रमाणित किया? क्योंकि भगवान इस रूप में प्रकट हुए, आधा नर और आधा सिंह, इस प्रकार का कोई जीव इस संसार में नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार के जीव की सृष्टि नहीं की है संसार में। तो इसलिए भगवान नृसिंहदेव ब्रह्मा जी के सृष्ट जीव नहीं थे, और भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था किसी अस्त्र शस्त्र से उसका वध नहीं होगा। फिर उसने कहा था कोई जीवित वस्तु या निर्जीव वस्तु से भी नहीं होगा। तो भगवान ने नाखून से वध किया। नाखून, ये नाखून को जीवित भी नहीं कहा जा सकता और निर्जीव भी नहीं कहा जा सकता। तो भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया। कैसे? हिरण्यकशिपु को पहले तो जब भगवान प्रकट हुए भयंकर रूप में, तो उनके रूप को देखकर हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया। भगवान का मस्तक आकाश स्पर्श कर रहा था, अनंत भुज और अनंत भुजों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, और उनका उनका जो मुख था और नासिका, ये किसी गिरी गह्वर पर्वत की गुफा के समान दिख रहा था, इतना विशाल काया था। और उनकी जिह्वा ये बार बार वो जिह्वा से चाट रहे थे, और उनके कान बहुत बड़े बड़े थे और खड़े थे जैसे कान, आँख पूरे जल रहे थे जैसे सोना जलता है आग में तपने पर, सोना जलता है उस प्रकार उनकी आँख वे जल रही थी। शरीर से ये ज्योति प्रकट हो रही थी
जिससे चारों ओर आलोकित हो गया था। भगवान के शरीर से इस प्रकार ज्योति प्रकट हो रही थी। तो हिरण्यकशिपु ने भगवान के रूप को देखकर पहले भयभीत हो गया और उसके बाद उसने सोचा कि ये विष्णु इस रूप में आए हैं, मेरा शत्रु। इसलिए उन्होंने गदा उठाया और भगवान पर प्रहार किया। और जब भगवान पर प्रहार किया तो भगवान ने उसको पकड़ लिया अपने हाथ से। भगवान ने पकड़ लिया जिस प्रकार गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। और हिरण्यकशिपु अपने को छुड़ाने के लिए तरह तरह का प्रयत्न भी किया, अपने को छुड़ा नहीं सका। किंतु भगवान उसके साथ थोड़ा खेल कर रहे थे। तो भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया, जैसे कभी कभी गरुड़ सर्प को छोड़ देता है। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब मैं छूट गया, इसका अर्थ कि मैं भगवान से और अधिक बलवान हूँ। ये सोच करके फिर उसने अपनी तलवार और ढाल निकाला और तेज गति से तलवार चलाने लगा, और कभी ऊपर कभी नीचे इस प्रकार उठ करके ऊपर नीचे होकर वो तलवार चला रहा था, जैसे उसको कोई पकड़ नहीं सकता। किंतु भगवान नृसिंहदेव ने सरलतापूर्वक हिरण्यकशिपु को फिर दूसरी बार पकड़ लिया और पकड़ करके उसको, भगवान बैठे थे दरवाजे पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि घर के भीतर या बाहर मृत्यु नहीं होगी, भगवान दरवाजे पर बैठे हैं, और अपने जांघ के ऊपर हिरण्यकशिपु को रखा और अपने नाखूनों से उसका वक्ष विदारण किया और उसके जो हृदय हैं उसको उखाड़ करके फेंक दिया बाहर। और जो अंत नालियां थी उसको निकाल करके अपने गले में माला के समान डाल दिया। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु का भगवान ने जब वध किया तो हिरण्यकशिपु के जितने अनुचर थे हजारों की संख्या में, सब एक साथ आए भगवान नृसिंहदेव पर आक्रमण करने के लिए। और भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु के अनुचरों को एक एक करके सबको, सबका विनाश किया। जब भगवान नृसिंहदेव ने देखा कि अब और कोई नहीं है हिरण्यकशिपु का अनुचर उन पर आक्रमण करने के लिए, तब जाकर वो हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठे भगवान नृसिंहदेव। और वो इतना क्रोधित थे भगवान हिरण्यकशिपु के ऊपर कि उनका क्रोध प्रशमित नहीं हो रहा था। आकाश से देवता लोग देख रहे थे इस दृश्य को। तो आकाश से जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो देवता लोग बहुत आनंदित हो गए और आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे भगवान नृसिंहदेव के ऊपर, और आकाश में वाद्य बजने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। और धीरे धीरे देवता लोग, ब्रह्मा शिव और देवतागण सब नीचे आ गए भगवान के सामने, क्योंकि भगवान के पास उनकी सेवा करने के लिए और कोई वहाँ नहीं था। तो नंद सुनंद आदि भगवान के सेवक भी आ गए और सभी भगवान की स्तुति करने लगे। और स्तुति करने के उपरांत भी भगवान नृसिंहदेव का क्रोध प्रशमित नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा तो स्वयं, उनको साहस नहीं हुआ कि भगवान नृसिंहदेव के पास जाएं और शांत होने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ब्रह्मा सोच रहे थे कि हमने तो कई बार गलती की है भगवान के सामने। भगवान जब ब्रज में लीला कर रहे थे, हम गए थे उनको, उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनके ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया था। तो ब्रह्मा जी को साहस नहीं हुआ भगवान के सामने आने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि आप जाइए, थोड़ा शांत करिए भगवान को, बहुत क्रोधित हैं भगवान, देखने में डर लगता है। शिव जी ने कहा, नहीं बाबा, हम भी नहीं जाएंगे,
क्योंकि हम भी कभी कभी ऐसे गलती कर देते हैं, भगवान हमारी आकर रक्षा करते हैं। भगवान ने एक बार वृकासुर को दिया था ना वरदान, जिसके मस्तक पर हाथ रखेगा वो भस्मीभूत हो जाएगा, और वृकासुर स्वयं भगवान शिव के ऊपर मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ा, तो भगवान विष्णु आकर शिव जी की रक्षा करनी पड़ी। और भगवान ने कहा था कि शिव जी को आप ऐसा वरदान मत दिया करो। और ब्रह्मा जी को भी ऐसे बोल चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ठीक है, लक्ष्मी देवी भगवान की पत्नी है तो उनको हम भेजते हैं। तो लक्ष्मी देवी से प्रार्थना किए तो लक्ष्मी देवी ने कहा नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे, ऐसा रूप हमने देखा, ये भयंकर रूप, कोई साहस करके भगवान नृसिंहदेव के सामने नहीं आ रहा उनको शांत करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद की ओर देखा, और प्रहलाद महाराज पास में खड़े थे, 5 वर्ष के बालक। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए तुम जाओ और भगवान को संतुष्ट करो। और प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था, ये देवता लोग भयभीत हो रहे थे किंतु प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तो प्रहलाद महाराज तुरंत आगे चले आए और जाकर भगवान नृसिंहदेव के चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया। तो जब भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को देखा कि प्रहलाद महाराज उनके चरणों में गिरे हुए हैं, तो भगवान नृसिंहदेव जो परम क्रोधित थे हिरण्यकशिपु के ऊपर, प्रहलाद को देखकर उनका क्रोध प्रशमित हो गया और उनमें वात्सल्य भाव का प्रकट हो गया प्रहलाद महाराज के प्रति। तो भगवान नृसिंहदेव ने सोचा कि ये 5 वर्ष का बालक प्रहलाद मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया है, हिरण्यकशिपु ने कितना कष्ट दंड दिया है इसको, और मेरे लिए ही प्रहलाद ने इसको सहन किया है, इसलिए भगवान नृसिंहदेव में ये वात्सल्य भाव प्रकट हुआ प्रहलाद महाराज के प्रति। और उन्होंने क्या किया, प्रहलाद महाराज को नीचे से उठा करके अपनी गोद में ले लिए भगवान नृसिंहदेव। और जैसे कोई सिंगी अपने शावक को चाटती रहती है प्रेम बस, भगवान ऐसे चाटने लगे प्रहलाद महाराज के शरीर को वात्सल्य बस, और अंत में उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त स्थापन किया प्रहलाद महाराज के ऊपर। तो इस प्रकार भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज पर कृपा की, उनको वरदान दिया। प्रहलाद महाराज की जो स्तुति बहुत प्रसिद्ध है भागवतम में, तो अंत में प्रहलाद महाराज ने नृसिंहदेव से, पहले तो उन्होंने कोई वरदान मांगा नहीं, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप मुझे अपने पास ले सकते हैं, मुझे मुक्ति दे सकते हैं, आपके पास ले सकते हैं, किंतु मैं अकेला आपके पास जाना नहीं चाहता। इस संसार में जो सारे जीव यहाँ कष्ट भोग कर रहे हैं, संसार के जीव, तो इन लोगों को साथ लिए बिना मैं अकेले आपके पास कैसे जा सकता। ये प्रहलाद महाराज का भाव है कि संसार के लोग कष्ट में हैं तो उनको कैसे हम भगवान के पास लेंगे, ये चिंता कर रहे थे प्रहलाद महाराज। अर्थात संसार के लोग कैसे भगवान के पास जाएंगे, जब भक्त बनेंगे। तो प्रहलाद महाराज चाह रहे थे कि संसार के लोग सब भगवान के भक्त बने और भगवान के पास उनके साथ जाएं, ये प्रहलाद महाराज की इच्छा, और यही भक्त की इच्छा होती है। जिस प्रकार प्रभुपाद महाराज ने सारे संसार के लोगों के उद्धार के लिए
उन्होंने 70 साल की आयु में उन्होंने विदेश की यात्रा की वृंदावन को छोड़कर। तो भक्त में ये जो करुणा का भाव है दूसरों के उद्धार के लिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रहलाद महाराज ने अंत में नृसिंहदेव से कहा था कि प्रभु मेरा पिता ये बहुत असुर स्वभाव के थे, इसलिए आपके चरण में उन्होंने कई अपराध किए हैं, आप उनको क्षमा कर दीजिए। तो नृसिंहदेव भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारा पिता मेरा स्पर्श पाकर वो उद्धार हो चुका है, वो मुक्त हो चुका है। और केवल तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारे वंश में जो 21 पुरुष ये सारे के सारे मुक्त हो चुके हैं। 21 पुरुष अर्थात पिता के 7 पुरुष, माता के 7 पुरुष और पत्नी यदि पतिव्रता उसके भी 7 पुरुष। इस प्रकार भगवान नृसिंहदेव कह रहे हैं 21 पुरुष उद्धार होंगे एक भक्त होने से परिवार में कृष्ण भक्त। तो इस प्रकार भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज पर कृपा की और भक्त के वाक्य की सत्यता को प्रमाणित किया। प्रहलाद महाराज के वाक्य की सत्यता और ब्रह्मा जी के वाक्य की सत्यता। तो इस प्रकार आज भगवान नृसिंहदेव जो उनका प्रकट दिवस है, इस अवसर पर हम प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करें कि ये हमारे ऊपर कृपा करके भगवान नृसिंहदेव के चरणों में भक्ति प्रदान करें। और भगवान नृसिंहदेव से हम प्रार्थना करें कि हमारे भक्ति पथ में जितने सारी बाधाएं हैं उन सारी बाधाओं को दूर करके उनके चरणों में हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें। जय श्री नृसिंहदेव भगवान की, जय श्री प्रहलाद महाराज की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।